नई शिक्षा नीति को लेकर राजसमंद के शिक्षाविद आशान्वित हैं। शिक्षाविद दिनेश श्रीमाली ने बताया कि पहली बार इतने विचार विमर्श के बाद इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के लिए गंभीरता के साथ निर्णय लिए गए हैं। नई शिक्षा नीति लेकर के जो आई है, लगभग 34-35 वर्षों के बाद में व्यापक विमर्श के पश्चात मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार देश में इतना व्यापक विमर्श किया गया और विमर्श के पश्चात नई शिक्षा नीति जो आई है, यह एक तरीके से बाल शिक्षा से लेकर के उच्च तकनीकी शिक्षा तक का जो है हर स्तर के ऊपर काफी गंभीरता के साथ इसका ध्यान दिया गया है। ज्ञान के परीक्षण पर इसमें जोर दिया जाएगा। रटने की प्रवृत्ति जो बच्चों में पाई जाती है उसको हटा करके अपनी रुचि के अनुसार वो भविष्य में जब शिक्षण खत्म करके निकले तो वो रोजगार में लग सके, इस हेतु इस नई शिक्षा नीति में विशेष व्यवस्था की गई। वर्तमान सरकार ने जो अभी निकाली है नई शिक्षा नीति, उससे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ही फायदा होगा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उससे। हम वैसे भी देखते हैं तो 2030 तक बच्चों को, हर बच्चे के पास स्कूली शिक्षा हो चुकी होगी, और इसके साथ साथ जब बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे तब तो उनके पास एक लाइफ स्किल भी होगी जो उनके लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद रहेगी। केवल वो सरकारी नौकरी के भरोसे ही नहीं रहेंगे, उनके पास दूसरे कामकाज के लिए भी समय होगा। नई शिक्षा नीति में कला, शिल्प, साहित्य और योग और इन सब चीजों को विशेष रूप से जोड़ा गया है, और इनको लेकर बच्चों से विशेष तैयारी करवाई जाने की ऐसी अपेक्षा है, और उसमें नए नए तरीके से कला के कार्य करवाए जाएंगे। कभी शिल्प बनवाए जाएंगे, कभी चित्र बनवाया जाएगा, कभी उनसे पोस्टर बनवाया जाएगा, और उनसे विविध आयामों पर कार्य करवाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में हमको कला से बहुत आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं दिखाई दे रही है।